थ्रू हम जो मेन एक्यूज है डॉक्टर संतोष गुलाबराव वो इनके उन तक पहुंच पाए और जब इंट्रोगेशन में पता चला तो उन्होंने कन्फेस किया कि मंगला जी दे जो स्टेट प्रेसिडेंट है आई टक की उनका उन्होंने मर्डर किया है और 11 तारीख को उनकी बॉडी उनके पोल्ट्री जो है वहाँ से उसके पीछे से रिकवर। हिंदुस्तान के शहर पुणे से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर सतारा इलाके में एक महिला गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस इसे ढूंढते ढूंढते एक डॉक्टर के फार्म हाउस में जा पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जब एक नारियल पेड़ के नीचे खुदाई की जाती है तो इस महिला के कंकाल मिलते हैं। इसके बाद पुलिस और नारियल के नीचे खुदाई करती है और वहां से 5 और कंकाल निकल आते हैं। दरअसल एक डॉक्टर ने अपनी सनक के चलते अपने फार्म हाउस को कब्रिस्तान बना दिया था। इस सीरियल किलर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संतोष पॉल। डॉक्टर संतोष पॉल दरअसल कोई डॉक्टर था ही नहीं बल्कि वो बस एक हेल्पर था। वो डॉक्टरों के साथ काम करते करते खुद को डॉक्टर समझने लगा था और इस इलाके के लोग भी यही मानने लगे थे कि संतोष पॉल एक डॉक्टर है। और सभी इसे डॉक्टर संतोष पॉल के नाम से जानते भी और इनके पास अपना इलाज भी कराते हैं। और ये सीरियल किलर बगैर किसी खौफ के इनके पास आने वाले मरीजों को दवा देते और ये मरीज मुतमईन हो जाते कि डॉक्टर ने दवा दी है। संतोष पॉल सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों में होने वाली करप्शन के खिलाफ भी काम करते थे, दूसरे एजेंसीज के साथ मिलकर और कई दफा कामयाबी के साथ कई करप्ट ऑफिसर्स को सजा भी दिलवा चुके थे। अपने इसी काम की वजह से वो पुलिस और दूसरे हुकूमती इदारों के लिए एक दहशत की अलामत बन चुके थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ की गई कई कंप्लेंट्स पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। सीरियल किलर संतोष पॉल अस्पताल ऑपरेशन थिएटर में हेल्पर के तौर पर काम करता था और ऑपरेट होने वाले मरीज को एनेस्थीसिया देने में माहिर थे। इनकी इस सीरियल किलिंग्स की कहानी इस वक्त सामने आई जब मंगला नाम की एक महिला के गायब होने का इल्जाम इन पर लगा। कई दिनों में डॉक्टर संतोष पॉल की खौफ से पुलिस टालती रही लेकिन आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करना ही पड़ी। सीरियल किलर संतोष पॉल पर हाथ डालने से पहले पुलिस ने इनके खिलाफ एविडेंस जमा करना शुरू किया और इसमें इस विक्टिम के मोबाइल फोन की डिटेल ने बड़ी मदद की। विक्टिम के फोन रिकॉर्ड से वाजह हुआ कि संतोष पॉल इनके गायब होने में शामिल हैं। पुलिस ने जब विक्टिम का फोन ट्रैक करना शुरू किया तो वो संतोष पॉल की गर्लफ्रेंड के घर जा पहुंचे और जब पुलिस ने इनकी गर्लफ्रेंड को इंट्रोगेट किया तो पता चला कि वो विक्टिम का फोन इसलिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। इसी गर्लफ्रेंड ने सीरियल किलर संतोष पॉल की जुर्म की दास्तान पुलिस के सामने रख दी। इसके बाद पुलिस ने सीरियल किलर संतोष पॉल को हिरासत में लिया और संतोष पॉल की निशानदेही पर डॉक्टर संतोष पॉल ने 6 मर्डर्स किए हैं, ये अभी तक सामने आया है। सातारा के एसपी संदीप पाटिल और उनकी टीम ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जेम्पलरी वर्क करके ये बहुत बड़ी एक सीरियल किलर टाइप घटना का बहुत सारे ट्रैप लगाए हैं। पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी लगाए थे, एक हमारे ऑफिसर के कांस्टेबल के खिलाफ 376 ये ज्योति मांडरे ने दाखिल किया, वो हम वेरीफाई करेंगे अभी। वो अलग अलग मेरिट के हिसाब से अगर वो एंटी करप्शन का ट्रैप सही था गलत था इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, डीजे एंटी करप्शन उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन ट्रैप लगाने की वजह से एक उसकी दहशत थी महसूल कर्मचारियों में, पुलिस कर्मचारियों की उसमें दहशत थी। और जनरली वो बला जेदे जो लेटेस्ट इसमें विक्टिम है, 15 जून को ये मिसिंग हुई थी, जुलाई में उसका किडनैपिंग का, इसके खिलाफ ही गुनाह दाखिल किया था। लेकिन इसने एक बनाव करके खुद को जख्मी करके
पुलिस को पे ऊपर प्रेशर डालने के लिए बनाव भी किया था। अंड्रे है, इसके पास मंगला जेदे का फ़ोन था और मंगला जेदे के फ़ोन से वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके उसके रिलेटिव्स को फ़ोन करती थी, तो रिलेटिव्स को लगे कि ये मंगला जेदे जिंदा है और कुछ ब्रीदिंग का आवाज़ या मैं संकट में हूँ मुझे मत ढूंढिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और उसकी वजह से पुलिस को शक हुआ कि ये प्लान्ड एक्टिविटी चल, जो उनके कांटेक्ट में थी, आरोपी के कांटेक्ट में थी, उसके बारे में डेफिनेटली जो भी कंप्लेंट आएगा पुलिस तहकीकात करनी है, क्यों कैसे किस वजह से 2003 में 6 में ये कैसे कैसे सीक्वेंस से मर्डर हुए हैं और उनके 5 खवातीन और एक मर्द का कंकाल इनके फार्म हाउस से निकाले। वो ये सब पैसों की लालच में करते थे, वो अपने शिकार को अपने फार्म हाउस पर ले जाते और इन्हें एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते, फिर इसे मारकर एक गड्ढे में डाल देते और ऊपर नारियल का पौधा लगा देते थे। इब्तदाई तौर पर संतोष पॉल को 11 इंसानी जानों का कातिल माना जा चुका है, मगर इस फार्म हाउस में अभी तक नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं जिनके नीचे खुदाई नहीं की गई है और डॉक्टर संतोष पॉल से इंटरोगेशन जारी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।